हेलो स्टूडेंट, इंग्लिश ग्रामर का आज हम लोग लेसन 10 आर्टिकल पढ़ेंगे। आर्टिकल क्या होता है सबसे पहले हम देखेंगे। आर्टिकल्स आर थ्री इन नंबर्स। आर्टिकल्स जो हैं वो नंबर्स में थ्री टाइप्स के होते हैं। दे आर ए एन द दे टेल वेदर अ नाउन इज डेफिनेट और इनडेफिनेट। ठीक है, आर्टिकल क्या है? जो आर्टिकल है वो हमें ये बताते हैं कि जो नाउन है वो डेफिनेट है कि इनडेफिनेट है। फर्स्ट पॉइंट इसमें दिया है, आर्टिकल ए एंड एन आर कॉल्ड इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल जो है वो आर्टिकल ए और एन जो है उसे हम लोग इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, और डेफिनेट आर्टिकल जो आर्टिकल द है उसको हम लोग क्या कहते हैं? डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ ए। ठीक है, हम यूज़ ऑफ ए पढ़ेंगे, फिर यूज़ ऑफ आर्टिकल एन, यूज़ ऑफ, फिर उसके बाद में यूज़ ऑफ आर्टिकल द। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। इसमें तीन चार टॉपिक्स हैं। फर्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ रहे हैं, यूज़ ऑफ आर्टिकल ए। आर्टिकल ए इज़ यूज बिफोर द वर्ड्स एंड एब्रिविएशन दैट बिगनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, आर्टिकल ए जो है उसका यूज़ हम लोग करते हैं किससे? वर्ड, जिस वर्ड का यूज़ जो है उसमें जो कॉन्सोनेंट साउंड जब आता है, बिगनिंग जो होती है उसकी, वो कॉन्सोनेंट साउंड अगर आता है तो हम वहाँ पर आर्टिकल ए का यूज़ करते हैं। जैसे कि ए स्टार, अ प्लैनेट, अ बर्ड, अ क्लाउड, अ सिटी, इस तरीके के वर्ड। ठीक है, उसके बाद फैक्ट्स टू नो कुछ दिया हुआ है। आर्टिकल ए हैज़ बीन यूज्ड फॉर यूनिवर्सिटी एंड यूरोपियन टू। ठीक है, आर्टिकल ए जो है ये यूनिवर्सिटी, ठीक है, क्योंकि जब हम लोग इसमें इसकी जो साउंड है, जब हम लोग इसको बोल रहे हैं तो उसका जो साउंड है वो वहाँ पे हमें कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे यूनिवर्सिटी और यूरोपियन में। और दो दे बिगिन विद अ वॉवल इन फैक्ट, लेकिन जो है ये वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि हम लोग पहले क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि आर्ट वॉवल्स जो होते हैं ए ई आई ओ यू, इनसे जो वर्ड्स जो हैं स्टार्ट होते हैं तो वहाँ पे हम एन का यूज़ कर देते हैं। लेकिन अगर हमें जो इसका साउंड है, ठीक है, जब हम बोल रहे हैं, जब उसका साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट का आता है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? ए का यूज़ करते हैं, चाहे वहाँ पे ई हो या यू हो, चाहे जो वर्ड हो। ठीक है, यहाँ पे इसी तरीके से दिया, साउंड बिगिन विद यू। ठीक है, यहाँ पे जो साउंड है वो यू से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जैसे यूनिवर्सिटी य से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और यूरोपियन में भी यू से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे ये हो गया। फिर यूज़ ऑफ आर्टिकल एन है, आर्टिकल एन का यूज़ देखेंगे। आर्टिकल एन इज़ यूज बिफोर द वर्ड एंड एब्रिविएशन बिगनिंग विद अ वॉवल साउंड। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आर्टिकल एन का यूज़ कहाँ होता है? जहाँ पे हमें वॉवल साउंड आता है। ठीक है, ये नहीं कि हम लोग ए ई आई ओ यू का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, आर्टिकल एन का यूज़ क्या होता है? आर्टिकल एन इज़ यूज बिफोर द वर्ड एंड एब्रिविएशन बिगनिंग विद ए वॉवल साउंड। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें दिया हुआ है, एन एप्पल, एन एग, एन इग्लू, एन ऑरेंज, एन ऑक्टोपस, इस तरीके से। रीड एंड कंपेयर द फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसको आपको रीड करना है और कंपेयर करना है। किस तरीके से करना है हमें? फर्स्ट में है आ वर्कर, एन इंडस्ट्रियल वर्कर। सेकेंड है एग्ज़ाम्पल इसमें, एन एग एंड अ वाइट एग। ठीक है, यहाँ पे एग है, वॉवल साउंड है यहाँ पे। Thank you.